ব্যবসায়ী সমিতিদের একসঙ্গে জোটবদ্ধ করার সংকল্পে এবার অখিল ভারতীয় সর্ববৈষম্য মহাসভা থেকে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতি যেমন তেলি সমাজ, আগরওয়াল সমাজ, জয়সওয়াল সমাজ সহ আরও 280টি ব্যবসায়ী সমাজ আলাদাভাবে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য সফল করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবসায়ী সমাজকে এক হয়ে জোটবদ্ধ হয়ে ব্যবসায়ী সমাজের উন্নয়নের স্বার্থেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন প্রদীপ কুমার সাউ, অখিল ভারতীয় সর্ববৈষম্য মহাসভার প্রদেশ মন্ত্রী। এছাড়াও ছিলেন প্রদেশ উপাধ্যক্ষ পৃথ্বীরাজ অগ্রহরি। আজকের এই অনুষ্ঠানের মূল মন্ত্রই ছিল একতাই মূল মন্ত্র। এছাড়াও আজকের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। অখিল ভারতীয় সর্ববৈষম্য মহাসভা যে উসকে প্রদেশ উপাধ্যক্ষ পদ পে পৃথ্বীরাজ অগ্রহরি, আজ হম সমাজ কো 380 বর্গ মে বটা হুয়া মেরা সমাজ হ্যায়, হম একজুট করনে নিকলে হ্যায় জো কি এক দূসরে কি বুরাই খতম করকে लोग एक दूसरे से भाईचारा बनाए और दूरियां दूर करें। ये पार्टी कितने हद तक काम कर सकेगा आपको लगता है? पार्टी नहीं है, ये संस्था है, सामाजिक संस्था है। हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं और एक समाज को एकजुट करने के लिए निकले हैं। आपका नाम? पृथ्वीराज अग्रहरी। आप क्या है? प्रदेश उपाध्यक्ष सर्ववैश समाज महासभा। ओके, हम उनको पकड़े। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था आपके संस्था की तरफ से, तो आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा मैंने व्यूअर्स को बताइए। नहीं, इसके पहले जो प्रोग्राम हुआ था वो पॉलिटिकल था और ये सामाजिक है, ये समाज के तरफ से हो रहा है। और ये अखिल भारतीय सर्वबैस एकता महासभा एक संस्था है जो बैस समाज को जोड़ने का काम कर रही है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो आप लोगों का मकसद क्या है? मकसद है हमारा जो समाज बटा हुआ है उसको सबको एक करना है और एक करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे, पॉलिटिकल व्यू पे भी और सामाजिक स्तर पे भी। इस तरीके से एक करना चाहते हैं? जैसे हमारा वैश्य समाज 280 समाज है और अग्रणी समाज है, गोयल समाज है, जयसवाल समाज है, इस तरह से अग्रवाल समाज है, रसोधन समाज है, तेली समाज है, भूज समाज है, सब अपना अपना अलग अलग समाज बना के बैठा हुआ है। इन सब लेकिन है वैश्य और सबको हमें एक करना है। सब हमारे सबके पूर्वज अग्रसेन महाराज जी हैं और सब अग्रसेन महाराज जी को ही मानता है, और जब हम सब एक ही हमारे पूर्वज हैं तो हम अलग बटे क्यों हैं? हम आपस में मिले और एक दूसरे से मिलना जुलना प्रारंभ करें। शादी ब्याह भी अगर किसी का मन पड़ता है तो करना चालू करें, इसी लक्ष्य के लिए हम लोग उतरे हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार साव है और मैं यहाँ का प्रदेश मंत्री हूँ इस संस्था का। हम लोगों का आज का प्रोग्राम बहुत ही सफल रहा और आज का जो प्रोग्राम में जिस तरह संख्या हुआ, जिस तरह लोगों का रुझान रहा, जिस तरह लोग समय पे पहुँचे और जितना जो है निष्ठा से योगदान दिए, उससे हम लोगों को एक ऊर्जा मिलता है और आगे के कार्यक्रम को आगे फिर जो है आने वाले दिन में हम लोगों का प्रोग्राम और इससे बड़ा और बृहद रूप में होगा, ऐसा ही हम लोग सोच करके हम लोग जो है एक और नई आशा से हम लोग फिर से अगला जो है उसके टारगेट के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं सुदर्शन अग्रहरी मीडिया प्रभारी आप लोग के सामने बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे पदाधिकारी बोले हैं कि हम लोग सभी को एक करना चाह रहे हैं, जिससे जो लक्ष्य में हम लोग उतरे हैं उसे हम लोग संकल्प लेकर करेंगे, पूरा करके उतरेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? सुदर्शन अग्रहरी मीडिया प्रभारी। आज अखिल भारतीय सर्ववैश्य समाज की तरफ से हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा, इसमें सभी का योगदान रहा और समाज के सभी लोग यहाँ पर आए, सब समाज से यहाँ पर उपस्थित हुए, साहू समाज से, विजयवर्गीय समाज से, अग्रवाल समाज से, अग्रहरी समाज से, इस तरह से लोगों का आपस में एक बार परिचय हुआ और सबने एक परिवार की तरह आज संपन्न किए कि प्रेरणा ली कि आप हम लोगों को सर्ववैश्य समाज को किस तरह से आगे बढ़ना है। इसमें सब लोगों को हमको मार्गदर्शन मिला, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, हमारी ह्यूमन राइट टीम्स, मानव अधिकार सम्मान की टीम्स, सबको हम लोग माला अर्पण कर सम्मान दिए और इस तरह से सर्ववैश्य एकता समाज को किस तरह से आगे किया जाए और घर घर पहुँचा जाए और समाज को किस तरह से आगे उद्देश्य से किया जाए, ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया। आपका नाम? मेरा नाम महेश विजय वर्गीय है, महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय सर्ववैश्य समाज। दीपंकर चौधरी, रिपोर्ट 24 आवर्स टीवी।